अगला शॉटर बाहर का और ये खराब शॉट पहले। सूर्य जसवंत सेवन मुन्ना पाता जसवंत इलेवन दिनेश किसको जसमा आई रोहित सोरेन जसमा फोर मनोरंजन जसमा ट्वेल्व एंड शिवा सोरेन जसमा फोर्टीन। हेलो हेलो सभी टीम और दर्शक थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लेंटी के जो टीम को हम लोग दे रहे हैं वन बाय वन पांच प्लेंटी होगा। पांच प्लेंटी में अगर क्लियर हो जाएगा फैसला हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर पांच प्लेंटी में फैसला नहीं हो रहा सडन डेथ नियम लग रहा है और वो सडन डेथ नौ तक ही सीमित रहेगा। बड़ा टूर्नामेंट है पांच प्लेंटी के बाद अगर हम लोग टॉस कर देंगे अच्छा नहीं लगेगा मैनेजर को। कोटे का पहला शॉटर होगा कुंदन कुमार आप फूंक फूंक के कदम रखनी होगी हर एक दलों के खिलाड़ियों को। ब्लॉक बास्ट टूर्नामेंट है मेघा टूर्नामेंट है और बहुत अच्छा प्रयास नापी तुली हुई शॉट गति उतना नहीं था। टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और हल्की सी संकेत हम सबों को मिल चुकी है मैदान के लगभग चारों तरफ खचाखच भरे दर्शक यहां पे उपस्थित हो चुके हैं हर एक मैच का लुत्फ उठाने के लिए। हार्दिक अभिनंदन रहेगा हर एक दर्शकों का। कोटे का अगला शॉट के लिए लुलू को जिम्मेदारी मिली है बहुत अच्छी जगह पे गेंद इस बार लुलू के द्वारा परफेक्ट शूटिंग के लिए जाने जाते हैं लुलू को। जब वाहन से साइकिल मोटरसाइकिल है बिल्कुल सही जगह पे पार्किंग करिएगा ग्रेज बनाई गई है ग्रेज भी लेके आएंगे। इस बार कोटे का अगला शॉट के लिए नौ नंबर के खिलाड़ी आए हैं जोहर जमशेदपुर की तरफ से। बहुत अच्छा प्रयास गोल रक्षक रक्षक के द्वारा कोशिश अच्छी थी चल रही है खेल के दौरान भी बराबरी की स्थिति बनी थी अब टाई ब्रेकर में भी और एक शूटिंग गोल में तब्दील हो रही है मगर इस बार गोल रक्षक में बदलाव देखा जा रहा है वीर आए हैं अपने वीरता का परिचय देने के लिए एक अहम मौका होगा वीर के लिए। बस हर एक दल जो टूर्नामेंट में प्रतिभागी बने हैं पार्टिसिपेट किए हैं हर एक दल भाई अपना सामर्थ्य दिखाएंगे। भागा महादेव जी के अगला खिलाड़ी आ चुका है कोटे का अगला शूटिंग के लिए इस बार तीन नंबर के खिलाड़ी आए हैं शुक्राम की बारी और ये खराब शॉट काफी रिस्क में गेंद लगता है क्रॉस बार को स्पर्श करती हुई गेंद मैदान के बार कृष्णा आ चुके हैं पीछे एक बार कृष्णा आ चुके हैं पांच नंबर के खिलाड़ी बराबरी का गोल दागने में भी सफल रहे थे और इस बार और एक अलग भूमिका में ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं कृष्णा हेमब्रम को। चार नंबर के खिलाड़ी कोटे का अगला शॉट के लिए
और उसी जगह गए थे, मगर इस बार हर शॉट गोल में तब्दील करते हुए हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं आप सबों से, आप सबों की सहयोग की आवश्यकता है। मैदान के चारों तरफ जो कपड़े का बैरिकेड लगाया गया है, उस बैरिकेड को आप छेड़छाड़ ना करें, अतिक्रमण ना करें, काफी जगह है देखने के लिए। अगला शॉट है, और कमाल का शॉट, किसी भी गोलरक्षक के लिए आसान नहीं होता इतनी बेहतरीन शॉट को। पावर साइकिल और मोटरसाइकिल थे, साइकिल मोटरसाइकिल तो गैरेज के बंद हो गया, जाते ना खेलुंड ना पाए कोई लहा लगी सिंते एटकेटोड़े आलो सिर्जो नमर नोटा ही कोना पूर्व नखरे जहाँ हॉर में ना कदा रोड में ना कदा उन्हें रोड ठारे रे साइकिल मोटरसाइकिल अलग दोहिता बोना है जो शेरो एटकेटोड़े ही हो। अगला शॉटर, बहुत अच्छा शॉट और बहुत अच्छा बचाव इस बार कृष्णा के द्वारा। इस बार कृष्णा फिर चौदह नंबर के खिलाड़ी आए हैं इस बार। और ये खराब शॉट, पहले ही पता चल चुका था गेंद कहां जाएगी, बड़ी आसानी के साथ यहां पे शेव किया। और ये खिलाड़ी गोल लागे थे मैच के दौरान, अजीत सोय। और इस बार भी पहले ही पता चला कृष्णा को, छठवां शॉट भी अगर बराबर होगा तो शॉट सातवां शॉट तक जाएंगे, सातवां शॉट में भी अगर बराबर रिश्ते में आएंगे आठवां शॉट तक जाएंगे, आठवां में भी बराबर जाएगा तो नौ तक शॉट होगा। अगर छह सात आठ में ही क्लियर हो जाए, छह में ही क्लियर हो जाएगा, अच्छी बात है। नौ से ज्यादा 700 नहीं होगा, दोनों के कप्तान ध्यान देंगे और छह छह में क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना सात तक बढ़ेगा, उसमें भी बराबर होगा तो आठ तक जाएगा, आठ में बराबर होता है तो नौ तक जाएगा। तो जिस अंदाज में यहाँ पर शॉट लगा रहे, दोनों टीम को एडवांटेज मिला था, एडवांटेज गवाए। कि मैदान के चारों तरफ जो कपड़े का बैरिकेड लगाई गई है, बैरिकेड को कृपया छेड़छाड़ ना करें, जातने का आपने दर्शक होया कौन सेटरे के ना नो ग्राउंड को ना उत्तर ना खा रहे आ बेटे जब गाते तब उन ओन पाटारे के गड़बड़ न्यागो के ना आ बोया को गड़बड़ आलो हियो मा और इधर भी जा भाग्य में नहीं होता सर। और बाजी क्या हाथ से निकल जाएगी, नौ नंबर के खिलाड़ी ने मायूसी का काम भी हुआ है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं बनती है, अगर गलती करेंगे तो फिर दिक्कत होगा।
टीम मझधार में फंस जाएगी। गलती करना मना है। अब 10 कदम देखा जाएगा। और इसी तरह अंततः यहां जोहर जमशेदपुर की टीम बाजी मारने में सफल। बहुत बहुत मुबारक हूं।